सुख दे जाए। ये मीडिया, ये सोशल मीडिया, ये पत्रकार संघ जो आपको साथ दे रहा है। और कहीं कहीं के ऐसे भी होंगे जो दिन रात कथा में से केवल बुराइयां छाटते रहेंगे, छाटते रहेंगे, छाटते रहेंगे। इन कौओं को कहीं ले जाके सरात का भोजन करा दो। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का एक विवादास्पद बयान सामने आया है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने पत्रकार और मीडिया को कौआ बताया। जिसने भी प्रदीप मिश्रा का साथ दिया उन पत्रकारों और मीडिया के लिए तालियां बजवाई, और जिन्होंने साथ नहीं दिया उन्हें कौआ कहकर श्राद्ध का भोजन कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि इनको जब तक चीथड़े खाने को नहीं मिलेंगे तब तक ये अच्छा नहीं लिखेंगे, इन कौओं को श्राद्ध के भोजन में पटकाओ। इस तरह के विवादास्पद बयान के बाद मीडिया समुदाय में काफी आक्रोश व्याप्त है और इस बयान की सर्वत्र निंदा हो रही है। दुनिया में ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, क्यों कथा करवा रहे हो? किसने कहा था? ढेर लगा कर रखा है, जनता वहां बैठी हुई है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जो साथ देने वाले होंगे वो आगे बढ़कर साथ देंगे। जैसे संपूर्ण पत्रकार, संपूर्ण मीडिया को एक बार जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दो, साथ दे रही है। आगे बढ़ बढ़कर अपने अखबारों में, आगे बढ़ बढ़कर सोशल मीडिया में, हमारे मंदसौर में कथा हो रही है, ऐसी कथा जो आनंद का सुख दे जाए। ये मीडिया, ये सोशल मीडिया, ये पत्रकार संघ जो आपको साथ दे रहा है। और कहीं कहीं के ऐसे भी होंगे जो दिन रात कथा में से केवल बुराइयां छाटते रहेंगे, छाटते रहेंगे, छाटते रहेंगे। इन कौओं को कहीं ले जाके सरात का भोजन करा दो। ये कौए हैं, इनको जब तक छीतड़ा खाने को नहीं मिलता ना, समिति वाले इनको कुछ खाने को नहीं देंगे, तब तक ये अच्छा नहीं लिखने वाले। इन कौओं को तो सरात के भोजन में पटक गया। और फिर कहते हैं कि सीवर वाला महाराज बहुत गड़बड़ गड़बड़ बोलता, नहीं नरियल दूं तुमको लिफाफे के साथ। बहुत कौए हैं,